Hey, good morning everyone. I hope you all are wonderful and doing great things. So today we are gonna learn again new vocabs. And vocabs के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि शब्दकोश हमारे लिए बहुत important है. जब कभी भी हम कोई भी भाषा बोलते हैं, अगर हमें शब्द ही नहीं पता होते हैं तो हम उसमें कितनी भी ग्रामर सीख लें बट बोलें क्या, कौन से शब्दों का प्रयोग करें. एंड हाँ, शब्द ना, शब्दों का माया जाल बहुत ही अलग और अजीब सी चीज़ है. कई बार ये बहुत आपके लिए खतरनाक साबित होती है, तो कई बार ये आपको लोगों के दिल को जिताने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. सो ऐसा आपकी लाइफ में बहुत बार आया होगा जब आपके मुंह से कोई गलत शब्द निकल गया होगा और आपने कहा होगा, नहीं 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 नहीं, मेरा तो ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था, मेरा वो मतलब नहीं था, अरे मैंने ऐसा नहीं कहा था. सो इट मीन्स ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम शब्दों को बहुत ही सुंदरता के साथ में इस्तेमाल करें एंड बस लोगों के दिलों को जीत लें. सो अभी कुछ वोकैब्स को हम सीख लेते हैं. यहाँ पे सबसे पहले वो कैप्स के पहले मैंने लिखा हुआ है SOD, यानी कि saying of the day. तो आज के लिए जो आपकी SOD है, जो आपकी कहावत है, उसको जरा सा देख लेते हैं कि क्या है. आज की आपकी कहावत है, योर डेज आर नंबर्ड नाउ. बोल लीजिए, योर डेज आर नंबर्ड नाउ. इट मीन्स अब तुम्हारे दिन नजदीक हैं. तू तो गया बेटा, अब तुम गए. तो इट मीन्स किसी भी तरह से हम इस बात को बोल सकते हैं. सो बोल लीजिए इंग्लिश में, योर डेज आर नंबर्ड नाउ. योर डेज आर नंबर्ड नाउ. योर डेज आर नंबर्ड नाउ. किसी भी एक्सप्रेशन के साथ में आप इस सेइंग को बोल सकते हैं. अभी देख लेते हैं वो कैप्स को कि हमारी वो कैप्स क्या हैं. सो सबसे पहला वर्ड हमारा लिखा हुआ है स्पेशियस. स्पेशियस रूम, स्पेशियस अपार्टमेंट, स्पेशियस एरिया, कुछ भी हो सकता है. इट मीन्स स्पेशियस का मतलब होता है खुला खुला. जो एरिया नहीं खुला खुला होता है, जहाँ पे हमें बड़ा खुला खुला सा लगता है. कुछ लोग के घर हम जाते हैं तो कहते हैं योर होम इज़ वेरी स्पेशियस ना. तो इट मीन्स लोगों के घर कुछ के बहुत खुले खुले होते हैं, कुछ के घर नहीं होते. तो इसलिए स्पेशियस का मतलब होता है खुला खुला. नाउ नेक्स्ट इज ग्लिटर. ग्लिटर, ग्लिटर. एक एक वर्ड को आप 5 times अभी ही देख के बोल लीजिए, आपको अभी लर्न हो जाने हैं. बाद में कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली आपको, राइट. बाद में आप बस इन वर्ड्स को कहीं ना कहीं किसी सेंटेंस में बना के चिपका दीजिएगा और बोल दीजिएगा, सर ये वो कैप्स हमेशा के लिए आपको लर्न हो जाएंगे. सो नेक्स्ट, अभी जरा सा देख लेते हैं ग्लिटर. ग्लिटर का मतलब होता है चमकना. ये आपका रेगुलर वर्ब है क्योंकि मैंने डॉट लगाया हुआ है. ग्लिटर इट मीन्स चमकना. ग्लिटरी आइज भी हो सकती हैं, ग्लिटरी ज्वेलरी भी हो सकती है. कई बार हम ऐसे भी कहते हैं, योर ज्वेलरी इज ग्लिटरिंग नाउ, योर आइज आर ग्लिटरिंग. तो आप कैसे भी करके बोल सकते हैं. नेक्स्ट इज ग्लूमी डे. ग्लूमी डे, ग्लूमी डे. सो ग्लूमी डे इट मीन्स उदासी भरा दिन. ऐसे हमारी ज़िंदगी में बहुत से दिन होते हैं जो उदासी भरे होते हैं, मतलब बहुत दुख से भरे होते हैं. पूरा दिन ही उदास उदास मुंह लटकाए लटकाए बीत जाता है, इतना दुख हमें मिलता है. आई एम श्योर आपने भी अपनी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा दिन ज़रूर देखा होगा. नेक्स्ट इज लीन ऑन समथिंग. लीन ऑन समथिंग, लीन ऑन समथिंग. लीन ये भी आपका रेगुलर वर्ब है, आप ध्यान दें यहाँ पर डॉट लगा हुआ है. इट मीन्स आप डी या ED लगा के सेकेंड थर्ड फॉर्म इसका बना सकते हैं. रेगुलर वर्ब यही होते हैं. अभी जरा सा ध्यान दें, लीन ऑन समथिंग यानी कि किसी चीज़ का सहारा लेकर खड़े होना या बैठना, मतलब किसी चीज़ का सहारा लेना. सपोज दैट कुछ लोग ना पोज अपना फोटो खिंचाते हैं तो ऐसे वॉल का सहारा ले लेते हैं. तो वहाँ पर हम क्या कहेंगे, अगर मैं बोलूँ कि मैंने दीवार का सहारा लिया हुआ है, तो आई एम लीनिंग ऑन वॉल. आई लीन ऑन वॉल, आई लीन ऑन पिलो. पिलो का भी सहारा हम लोग लेते हैं, तो ये भी बोल सकते हैं आई लीन ऑन पिलो. तो आप जहाँ पे भी जैसे भी ग्रामर के साथ में बोल रहे हैं वो आप पर डिपेंड करता है. अब लीन ऑन का मतलब ये समझें कि किसी चीज़ का, किसी वस्तु का, किसी भी चीज़ का सहारा लेना, राइट. सहारा लेके खड़े होना, बैठना. अरे हिंदी में एक वर्ड बड़ा फेमस है, कहता टेक के, टेक ले लो, तकिया की टेक ले लो, दीवाल की टेक ले लो, या दीवाल का सहारा ले लो. तो टेक ले लो या सहारा ले लो, कुछ भी, राइट. नेक्स्ट इज न्यूसेंस. न्यूसेंस, न्यूसेंस. न्यूसेंस का मतलब होता है जो चीज़ आपको बार बार परेशान करे.
इट मीन्स वो कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी इंसान हो सकता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, जिंदगी में ऐसी कुछ भी बात हो सकती है जिसने आपको इतना 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 बार बार दर्द दिया हो कि आप सोते जागते हर पल उस बात को याद करते हो। आई एम श्योर ऐसी बहुत सी बातें आपकी ज़िंदगी में रही होंगी, ऐसे बहुत से इंसान भी आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आए होंगे जिन्होंने आपको बार बार परेशान किया होगा मेंटली, राइट? बार बार चीज़ों ने आपको परेशान किया होगा, ना जाने कितनी रातें आपने जाग कर बिताई होंगी, आप सो नहीं पाए होंगे। सो कई सपने भी हमें बहुत न्यू सेंड करते हैं, बहुत ज़्यादा हमें परेशान करते हैं। सो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, दैट ड्रीम इज़ न्यू सेंस फॉर मी, दैट सिचुएशन वॉज न्यू सेंस फॉर मी, दैट पर्सन इज न्यू सेंस। आप कहीं पे कैसे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज फुट टैपिंग सॉन्ग, फुट टैपिंग नंबर। यस, मैंने यहाँ पे नंबर को सॉन्ग इसीलिए बोला ताकि आपको मैं यहाँ पे दो चीजें सिखा दूं। फुट टैपिंग, ये जो नंबर है, नंबर का मतलब होता है सॉन्ग, ये वो वाला नंबरिंग 1-2 वाला नहीं है, नंबर का मतलब होता है सॉन्ग। अगर कोई गाना चल रहा है आप कह सकते हैं नाइस नंबर, नाइस ट्रैक, नाइस सॉन्ग। तो आप गाने जो सुनते हैं, इन गानों को आप तीन तरह से कह सकते हैं, नंबर, सॉन्ग एंड ट्रैक। सो दिस इज नाइस नंबर, फुट टैपिंग नंबर, दिस इज फुट टैपिंग नंबर। फुट टैपिंग नंबर इट मींस थिरकने वाला गाना। ऐसे बहुत से गाने होते हैं जो एकदम थिरकने वाले होते हैं, कहते हैं ना नाचने वाले गाने लगा दो भाई, सुनने वाले गाने लगा दो, तो नाचने वाले गानों को कहते हैं फुट टैपिंग नंबर्स। तो अब आप यही बोलेंगे। नेक्स्ट इज कीप ऑन, कीप ऑन, कीप ऑन। कीप ऑन का मतलब होता है लगे रहो, लगे रहो मुन्ना भाई, ये सॉन्ग भी आया था, तो वहां पे भी आप अगर सॉन्ग को ट्रांसलेट कर रहे हो तो आप यूज कर सकते हैं। कीप ऑन डांसिंग, कीप ऑन सिंगिंग, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कुछ भी कह सकते हैं आप, जिस भी चीज में आप बोल रहे हैं कि लगे रहो भैया, जैसे मम्मी पापा कहते हैं ना कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन स्टडिंग, जो भी आप बोलना चाहें, जिस चीज के लिए भी आपको बोला जा रहा है या आप किसी को बोलना चाहते हैं। नेक्स्ट इज शू ऑफ, शू ऑफ, ये भी रेगुलर वर्ब है और इसमें आप ईडी या डी लगा के, आप जैसे रेगुलर वर्ब में बनाते हैं वैसे आप सेकेंड थर्ड फॉर्म बना सकते हैं। सो शू ऑफ इट मीन्स भगाना, सो आई शूड ऑफ डॉग। कई बार डॉग आ जाता है तो आपको अगर काटने के लिए आ रहा होता है, आपके पास आ रहा होता है, तो आप कहते हैं ना शू शू शू, मतलब भाग जाओ भाग जाओ। सो अब आपको मतलब समझ आया, शू का मतलब होता है भगाना। नेक्स्ट इज टोफेट, 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 टॉफिट भी बोल सकते हैं आप, टॉफिट भी बोल सकते हैं, सो इट्स टॉफिट, टॉफिट, टॉफिट का मतलब होता है नरक। एक वर्ड आप बहुत कॉमन है जिसे आप जानते हैं हेल, और लोग कहते भी हैं गो टू हेल, तो इट मीन्स अब आपके लिए नया वर्ड है टॉफिट। नरक को हम क्या कहेंगे, टॉफिट। सो जहाँ पे आप बोलते थे गो टू हेल, आप ये भी बोल सकते हैं गो टू टॉफिट, बट प्लीज़ ऐसे वर्ड्स को ना बोलें बिल्कुल भी। यहीं पर मैं आपको बता दूँ कि जो हमारा स्वर्ग होता है इसे क्या कहते हैं, क्योंकि टॉफिट एंड हेल तो आप जान गए नरक होता है, स्वर्ग को हम कहते हैं न्यू वर्ड जो कम लोग बोलते हैं वो है पैराडाइज, अदरवाइज आप क्या कहते हैं हेवन। सो हेवन एंड पैराडाइज वो था फॉर स्वर्ग। नेक्स्ट इज गिगल, 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 गिगल का मतलब होता है बदतमीजी से हंसना, बदतमीजी से हंसना या ही करना। ऐसे होता है ना कुछ लोग दूसरे बंदों का मजाक बनाने के लिए बदतमीजी से हंस रहे होते हैं, उनको बॉदर कर रहे होते हैं, तो इट मीन्स खिसिया देना किसी को। सो गिगल, वी शुड नॉट गिगल, वी शुड नॉट गिगल। सो इट मीन्स अभी आपने यहाँ पे कुछ वो कैप सीखी, ऐसे ही मैं आपके लिए कुछ ना कुछ और वो कैप्स लेके आऊँगी, और बस धीरे धीरे करके मैं आपके शब्द कोश को इतना स्ट्रांग कर दूंगी दैट यू वुड डेफिनेटली स्टील द वर्ड एंड यू विल बी शाइन अश्योर। सो अभी के लिए बस इतना ही, टिल दैट हैव अ गुड टाइम, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप टॉकिंग इन इंग्लिश एंड कीप वेटिंग फॉर माई न्यू वो कैप्स, हैव अ ग्रेट डे।